त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष हैं दो, हाँ देखो बेटा दो माइनस छह है ना, दो माइनस छह पांच, चार तीन, ध्यान से पढ़े बेटा, के चार, हाँ सर अब सही है। प्रश्नानुसार इनसे मिलकर प्रश्नानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन बताएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, मतलब वर्ग इकाई लिख दिया, जो भी इकाई होगी वर्ग इकाई है। तो प्रयास मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, और यहाँ जो भी होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस 35, क्या आएगा? प्लस है। ये बात मैंने वो कल ही कर दी थी। इसको कहते एकदम डीप तरीके से समझना, ये गलती हो ही ना सके। और इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप NCERT की बुक पढ़ें, कि उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशन लिखे वो माने जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपील कर सकते हैं आप। इसलिए मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप NCERT की बुक पढ़ें। अगर आप नहीं भी खरीद पाए हैं तो भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, तो फ्री चल रही है। प्लीज़ आप लोग जो भी सर पढ़ाएं उसमें NCERT बुक पढ़ें। हाँ आप भी उसे, चूँकि मिक्सअप है बहुत ज़्यादा, इसलिए पूरा हो जाए तब आप मुझे बताएं, अभी बता सकते हैं। ठीक है चलिए, तो मान रख लें फिर, यहीं पर रख ले आप, है ना, एक स्टेप हम काय को बढ़ाएं। बताओ जरा प्रयास, 2 - 6 = 5 - 4 = 4। तो बेटा प्रसार तो तुम जिसके हिसाब से चाहो उसके हिसाब से करो, पर मैं सलाह देता हूँ कि जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में अचर पद है उसके हिसाब से करो, तो के बार बार नहीं आएगा, के जो है वो बार बार नहीं। क्या मेरी बात समझे? अब एक से ज़्यादा मैं ऊपर तो वो करना ही पड़ेगा। चलिए तो ये वाली हमने, इसका नाम क्या है, ये क्या है इसका नाम, R3। 1/2 का त्रिक गुणा हो जाएगा तो 35 दूनी कितने हो जाएंगे, 70, और हम लिखेंगे R3 के सापेक्ष प्रसार करने, R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर यहाँ हो गए 35 दूनी 70। कोई दिक्कत प्रयास को? चलो बताओ ज़रा, के आएगा पहले, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1, प्लस माइनस प्लस तो क्या है, क्लियर कि नहीं? चलो के अकॉर्डिंग बताइए, -6 = 1 = 4 = 1, 4 के लिए 2 = 1, अब इतने दिन हो गए तो बनना चाहिए ना। अब अगर आप गौर करें बच्चों, अगर आपने R3 के सापेक्ष नहीं प्रसार किया होता तो ये के कहाँ होता, अंदर होता, और कम से कम 2 बार आता, फिर जोड़ने घटाने की अलग टेंशन। तो जो मैं सलाह देता हूँ बहुत सोच समझ के देता हूँ, बाकी अब आप जाने, आप तो बातों में लगे हैं। कीर्ति बोलना ज़रा, रुक जा बोल रही हो, चार दूनी 8 माइनस 6 × 5 = 30 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस 70, सही है कीर्ति। 5 में से 2 गए -3 और 30 और 8 = 38, यहाँ पे तो -10 + 12 + 38 बराबर प्लस माइनस 70, ध्यान जरूर देना प्रयास को, 38 = 12 प्लस क्या आ गया, 50 बराबर प्लस माइनस 70, तो -10 = -50 + -70, प्लस के 50 का आएगा हो गए, तो यहाँ से के बराबर क्या आ गया बेटा, -50 + -70 - 10। सबसे पहले प्लस लेने पर लो बेटा, -50 + 70 / -10 20 - -10 - 2, कोई दिक्कत? माइनस लेने पर के बराबर -50 - 70 / -10 -120 / -10, माइनस से माइनस कितना आ गया, 12, समझ में आया? अब आप देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है, लिखा है ऑप्शन में, तो क्या आएगा आंसर, हाँ कौन सा, और थोड़ी सी भी गलती हो तो कई बार क्या हो जाता है, आंसर गलत हो जाता, नहीं गलत कर देते लोग। ठीक है देखो बेटा, अब हम अगला कंसेप्ट समझेंगे टाइप 3। देखो नॉर्मली अगर आप किसी पूछोगे तो वो त्रिभुज की परिभाषा ये बोलेगा, 3 बिंदुओं से मिलकर बनने वाला ये समुच्चय है, ये क्या कहलाता है, त्रिभुज। तो हमारी सोच हमेशा ये रहती है कि अगर बेटा क्लास पढ़ने आए हो,
सुनते ही नहीं हो, ठीक है। अगर तीन बिंदु अपने पास हैं तो अपनी सोच हमेशा ये रहती है कि त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? अच्छा, और बिंदुओं की स्थिति पर डिपेंड करता है कि त्रिभुज कितना बड़ा छोड़े से। ये बिंदु अगर थोड़े दूर दूर हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा। वहीं अगर ये बिंदु हम पास में ले आते यहाँ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बहुत कम। वहीं अगर अपन ये बिंदु, ये वाला बिंदु कहाँ ले आएँ? यहीं पर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ज़ीरो। क्या हो जाएगा? मतलब अगर तीन बिंदु एक सरल रेखा में हैं, काय में हैं, तो उनसे मिलकर कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तो जब हम उन तीनों बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। वो क्या आएगा? ज़ीरो। तो समरेख की तो हम बहुत सारी शर्तें पढ़ चुके हैं, एक सबसे जो द्विक अनुपात वाली होती है, आपको याद हो अगर तो, ठीक है। फिर भी अब अपन ऐसे कर रहे हैं कि हम उन बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। और अगर वो ज़ीरो आ गया तो हम लिखेंगे चूंकि इन बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज़ीरो है, अतः दिए गए बिंदु समरेख। समझ में आई बात? तो यदि तीनों बिंदु एक रेखा में हैं तो उन तीनों को मिलाने पर त्रिभुज नहीं बनता। जिस कानून से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ज़ीरो। अगर ये बिंदु थोड़ा ही सा ऊपर होता ये वाला, तो भी त्रिभुज बन जाता। कब त्रिभुज नहीं बनेगा? समझ गए? एक रेखा को संरेख, समरेख, रेखीय, है ना, बहुत सारे नाम हैं। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन क्या लिखा बताइए? दिए गए बिंदु संरेख है। दिए गए बिंदु कौन बोलेगा बच्चों? दो, तीन, सही है प्रयास। हम निकालेंगे इन बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता बताओ कंचन? 1/2। इसको अपन ट्राइंगल बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं? ट्राइंगल। हाँ, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 1, 1, 1। समझ में आया बच्चों? जिसके सापेक्ष चाहे उसके सापेक्ष मैं कर रहा हूँ 8, 11, 1। थोड़ी बड़ी संख्याएं हैं, है ना? बोलो प्रयास। R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 8, 11, 1। सौरभ बोलो बेटा, 8 के लिए 3, 1, 7। दो, तीन, समझे बेटा? अब ध्यान देंगे सब लोग। 8, 3 1 7 1 2 1 2 -5 14 -15। सही है बच्चों? माइनस 11। सही है बच्चों? और सही है? चलिए करिए गुणा। -32 + 33 -1। देखो -32 और -1 क्या हो गए? -33, और +33 क्या हो गए? कैंसल। तो डेल्टा बराबर 1/2 इंटू क्या आ गया? 0। डेल्टा बराबर 0। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, इसके बाद लिखेंगे चूंकि दिए गए बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अतः सिद्ध होता है कि दिए गए बिंदु संरेख। समझ गए बेटा? चलिए देखिए, ये चौथा क्वेश्चन है जिसमें बिंदु हैं A, B+C, B+C+A, C+A+B। इसमें भी हमें संरेख ही सिद्ध करना है। NCERT का क्वेश्चन है तो मान सकते हैं कि नॉर्मली आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर संरेख सिद्ध करने के लिए हमें प्रसार करना पड़ेगा, तो हम प्रसार कर रहे हैं C1 के सापेक्ष। देखिए प्रसार आप जिसके सापेक्ष चाहें उसके सापेक्ष कर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं होती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए जब आप करेंगे प्रयास तभी तो समझेंगे कौन सरल है कौन कठिन। A B+ ओके बेटा बताइए। एक ये कॉलम चूज किया अपन ने A के लिए C+A, A+V, 1, 1। फिर B के लिए B+C, A+B, 1, 1।
और बी प्लस सी, सी प्लस ए वन वन। अब जरा ध्यान देना है वरना गलती हो जाती, वैसे कठिन तो बिल्कुल नहीं है। C प्लस ए का एक में करेंगे तो C प्लस माइनस ए माइनस बी, कोई दिक्कत? B प्लस सी माइनस ए माइनस बी, बी प्लस सी ये गुणा हो गया माइनस सी माइनस ए, ये समझ में आया माइनस सी माइनस ए। C प्लस ए का एक में करेंगे तो C प्लस ए पर माइनस करेंगे तो दोनों माइनस लग जाएगा। चलिए अब सी से सी क्या हो गए, बी से बी क्या हो गए, ए से ए क्या हो गए। अब हम गुणा कर लेंगे, ए का सी में, ए का माइनस ए बी, माइनस बी सी प्लस ए बी, बी सी माइनस ए बी, माइनस के बी प्लस के बी, माइनस के बी सी प्लस के बी सी। हाँ चलो चलो सब कट गए ना, कुल कहाँ पे, यहाँ लास्ट में ए सी आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ए सी ए सी क्या होगा, कैंसिल, ये सारे कैंसिल हो गए तो वही आएगा डेल्टा का मान जीरो। लिखेंगे चूंकि दिए गए बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः सिद्ध होता है कि दिए गए बिंदु, देखिए दोस्तों व्यास ये बिंदु दिए हैं 2, 3, 5, 6, 7, इनको संरेख सिद्ध नहीं करना, संरेख सिद्ध करना होगा तो बिंदु दिए होते, अचर नहीं दिया होता बीच में, इन्होंने दिया है कि ये बिंदु क्या है संरेख। देखिए लोग अच्छे से लिखते नहीं फिर लैंग्वेज में गलती कर दे, उनमें सिद्ध करना था कि संरेख है, इसमें दिया है कि संरेख, इसमें दिया है कि ये बिंदु क्या है समरेख है। अगर ये बिंदु समरेख है तो इनसे मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जीरो, ये दिया ही है समरेख, मतलब 1/2 डेल्टा की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो। बिंदु रखेंगे 2, 3, 5, 6, 7, 1, 1, 1 बराबर क्या होना चाहिए, जीरो। अब बच्चों हम 1/2 को यहाँ ले जाएंगे तो वो जीरो ही हो जाएगा, और कर देंगे हम R2 के सापेक्ष प्रसार। अगर आप चाहें तो R2 के सापेक्ष ना करें, आप किसी भी किसी सापेक्ष भी कर सकते हैं, मैं किसी सापेक्ष कर रहा हूँ R2। जितने लोग अभी तक नहीं करे हैं R2 के सापेक्ष उनको अच्छा मौका है, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर 5 k 1, ठीक है सौरभ। अब R1 के चिन्ह होते हैं प्लस माइनस प्लस, और R2 के माइनस प्लस माइनस, इसलिए आएगा माइनस प्लस माइनस। किया है किसी ने R2 का यूज कभी, किया ही नहीं, R2 C2 का भी यूज करते रहना चाहिए बीच बीच में। चलिए तो 5 के लिए बोलेंगे बेटा 3 1 7 1। अब बच्चों आप किसके लिए बोलेंगे, के के लिए 2 1 6 2 1 6, लास्ट 2 3 6 7, सही जवाब 3 1 कम 3 -7, 2 1 कम 2 -6 14 -18 बराबर जीरो। ये आ गया -4, यहाँ भी आ गया -4, यहाँ आ गया प्रयास -4। अरे वाह, -4 का भाग दे दें क्या सब में, नहीं हम वैसे भी कर सकते हैं पर दिख रहा है क्या सब में -4 है तो दे दें क्या भाग, बताइए आप बताइए, गुणा भी कर सकते, तो -4 का भाग देंगे तो -5 प्लस के माइनस वन बराबर जीरो, के बराबर 5 प्लस 1 के बराबर 6, आंसर मिलाइए। रोहित ध्यान दीजिएगा जरा, अगर बिंदु समरेख हैं तो उनकी प्रवणता अपने आप बड़ा हो जाती है, बात तो को पता है, तो कितना सरल है, आपको क्या करना है 2 में से 5 घटाना है, कितना आया -2, 5 में से 6 घटाना कितना आया माइनस, एक्स वाले घट गए, अब वाई वाले, 3 में से क्या घटाना के, और के में से क्या घटाना 7, कोई दिक्कत बच्चों को नहीं आया समझ, फिर से करते, पहले एक्स वाले 2 में से क्या घटाया 5, फिर 5 में से क्या घटाया 6, 5 - 6 लाइन से, फिर 3 में से k, y वाले 3 में से k और k में से 7, समझ आया बच्चों को। चलो 2 में से 5 है कितने बचे -3, और 5 में से 6 गए -3 - 3 गुणा हो जाएगा 3 का k में 3k, 3 7 21, 3 1 कम -1, समझ में आया 3k + k बराबर 3 + 21, 4k = 24, k = 6, समझ में आया, तो ऑब्जेक्टिव में आए तो ऐसे कर लेना, नहीं आया अगर आया समझ लो ताली बजाओ, नहीं आया तो बात ही नहीं। बेटा अगर आपको याद हो तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण पढ़ा था आपने, y - y1
यहाँ x माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू वन पढ़ा है बच्चों ये आप लोगों ने कक्षा ग्यारहवीं में, निकाला भी है अपन ने, आखिरी में पढ़ा शायद याद भी रहा। इसी को साइन के रूप में ये देखो याद करने में कितना टफ है, प्लस माइनस की दिक्कत कभी भूल जाते कि पहला बिंदु कौन दूसरा बिंदु। साइन के रूप में इतना सरल है, प्रयास देखना जरा। x y x1 y1 x2 y1 1 1 1 समझ में आया, इक्वल टू में जीरो। अब ये समीकरण और ये समीकरण एक ही आप प्रसार करिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रसार नहीं भी करना तो मेरी बात को समझना है, मान लो अपन को निकालना है दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो जिस भी चीज़ का समीकरण निकालना पड़ता है हमें उस पर एक चर बिंदु लेना पड़ता है, तो वो चर बिंदु हम क्या ले लेते हैं, एक्स वाई, क्या ले लेते हैं, तो अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, जीरो। इसलिए एक्स वाई एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू बराबर जीरो, ऐसे निकाल लो। समझ में आया, कुल मिला के ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, समझ गए। चलिए शुरू करें। प्रयास सर बताइए कुछ जरा, कौन कौन से बिंदु हैं, दिए गए बिंदु हैं एक दो, इन बिंदुओं, देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, लिखी देते तुम लोग भूल जाओगे, इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कौन बोलेगा बच्चों, पहले क्या लिखेंगे, एक्स वाई, फिर एक दो, फिर बेटा मेरे साथ हो तो बोलो बेटा, एक्स वाई एक दो तीन छः एक 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 बराबर जीरो, बिना सोचे समझे आर वन के सापेक्ष प्रसार करना, एक्स वाई वन। चलिए बच्चों बोलिए जल्दी से, आर वन के सापेक्ष कर रहे हैं प्रसार, हाँ बच्चों, टू माइनस सिक्स वन माइनस थ्री सिक्स माइनस सिक्स, सही है बच्चों, दो में से छः का माइनस के चार एक्स, एक में तीन का माइनस माइनस प्लस के दो वाई, और ये हो गया जीरो, सही है। तो प्रयास यहाँ से माइनस चार एक्स बराबर माइनस दो वाई, बस ये कट जाएंगे, दो एक्स बराबर क्या आ जाएगा वाई, कोई दिक्कत ये नहीं आई होगा समझ में, बटे मिले आना हो जाएगा,